जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे। भगवान जब आपकी परीक्षा ले चुके होते हैं तो उस समय आपके साथ क्या क्या घटित होता है? जब आपकी परीक्षा भगवान की तरफ से समाप्त हो जाती है या पूरी हो जाती है, तब आपके साथ आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? आज का प्रसंग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो, तभी आप समझ पाओगे। हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो भक्त को, साधक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वह बहुत दुखी हो जाता है। उसके मन में विचार आता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना मंत्र जाप करता हूँ, मैं इतना भगवान में अपना प्रतिदिन मन लगाता हूँ, पर इसके बावजूद भी हमारी जीवन की स्थिति अभी पहले जैसी ही बनी हुई है, बल्कि स्थिति अब पहले से ज्यादा नीचे की ओर गिर गई है। ये सब देखकर भक्त के मन में तरह तरह के विचार धारा पैदा होती है कि कहीं हमसे पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं हो रही। आप भगवान की साधना पूर्ण भक्ति भाव से कर रहे हैं, प्रतिदिन उनका स्मरण भी कर रहे हैं, फिर गलती कहाँ से हो रही है? ये सब देखकर भक्त लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, पर भगवान भी आपको परखना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप कितनी परेशानियों के बाद भी वैसे ही टिके रहते हैं, आपकी आस्था और आपका विश्वास कितना अटल है, ये सब देखना चाहते हैं भगवान। पर सच्चा भक्त या सच्चा साधक वही है जो भयंकर परिस्थितियों में भी भगवान का साथ न छोड़े और अपनी भक्ति दिन प्रतिदिन बरकरार रखे। उसी भक्त को भगवान से कुछ प्राप्त होता है। आजकल के समय में परीक्षा तो भगवान बहुत कम लेते हैं। भयंकर परीक्षा पहले प्राचीन काल में हुआ करती थी, ऐसी हिम्मत अब इस कलयुग के प्राणी में नहीं है जो वह उन परीक्षाओं को पास कर पाए। अब तो बस हल्की फुल्की परीक्षा भगवान लेते हैं, पर उसमें भी मनुष्य दुखी हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में इन सबको बता रखा है। आज हम बात करते हैं कि जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या घटता है। तो आगे बढ़ते हैं पहली घटना की ओर। पहली घटना इस प्रकार है, आपको अनेकों स्थानों से, अनेकों माध्यमों से, जिसको आप जानते नहीं है, उनसे धन की प्राप्ति होना आरंभ हो जाती है। ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। आज आप ये समझ नहीं पाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, परंतु धन का आगमन आपके जीवन में शुरू हो गया है। आज के समय में धन मनुष्य के लिए सर्वप्रथम और आवश्यक है। आज केवल धन ही सर्वोपरि है। धन के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बिना ना परिवार है और ना ही धर्म। सब कुछ सिर्फ धन पर ही टिका हुआ है। तो सर्वप्रथम भगवान की जो कृपा होती है वो ये कि धन के रास्ते खुल जाते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है, आप नौकरी में हो तो तरक्की मिलने लगती है, आप किसी भी रोजगार में हैं या नौकरी में हैं तो धन का आगमन बढ़ जाता है। तो ये धन का आगमन पहला लक्षण है, पहली घटना है जो आपके जीवन में घटित होती है। अब दूसरी घटना की ओर चलते हैं। दूसरी घटना इस प्रकार है कि आपका अब सभी लोग, चाहे वह परिवार के सदस्य हो या फिर रिश्तेदार या फिर आपके आसपास के मित्रगण, सभी आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं, आपकी बात को समझते हैं और मानते हैं। पहले आपको दूसरी नजर से देखा जाता था, पर अब आपको सम्मानित नजर से देखा जाता है। आपका यश और कीर्ति बढ़ने लगती है। अब आप समाज में सम्मानीय सदस्य के रूप में पहचाने जाते हैं। लोग आपके जज्बातों की कदर करने लगते हैं। ये तीसरी घटना आपके साथ होती है तो समझ लेना कि आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है। अब चलते हैं तीसरी घटना की ओर, जो इस प्रकार है। परिवार के लोग आपसे जो पहले कभी सही से बात करना नहीं चाहते थे, आपको कभी देखना पसंद नहीं करते थे, वह सब परेशान हो चुके थे आपकी पूजा पाठ से। आज वही परिवार के लोग
आपको प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ये सब कैसे हुआ, आप ये सब समझ ही नहीं पाएंगे। ये परिवार का परिवर्तन कैसे हो गया लोगों के अंदर और परिवार के सदस्यों के अंदर, तो ये सब परिवर्तन किसी और के द्वारा नहीं हुआ, आपकी भक्ति और आपकी आस्था ने किया है। क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर नरमता आ जाती है। जब नरमता आपके अंदर आ जाती है तो इसका प्रभाव आपके परिवार और समाज पर पड़ता ही पड़ता है। इस कारण वे लोग आपको इज्जत देते हैं, आपको सम्मान करते हैं, चाहे वह घर परिवार के सदस्य हो या फिर आपके आसपास के लोग हो। छोटे बच्चे भी आपका सम्मान करते हैं। जो बच्चे पहले आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे, वह आज आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। लोगों का आपके प्रति सम्मान, ये तीसरी घटना है कि आपकी परीक्षा अब समाप्त हो गई है। अब आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जब आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलने लगे तो आप समझ लेना कि अब अच्छा समय आने वाला है। आपकी परीक्षा अब समाप्त हो गई है, बुरा समय अब निकल चुका है और अब अच्छा समय आने वाला है। अब चलते हैं चौथी घटना की ओर। चौथी घटना इस प्रकार है कि आप अचानक से अंदर से खुश हो जाते हैं, आप बहुत ही आनंदित होते हैं। ये क्या हुआ और कैसे हुआ आपके अंदर ये परिवर्तन? आपके अंदर अचानक से खुशी महसूस हो रही है। इसका एक ही मतलब है कि मनुष्य के अंदर खुशी तभी आती है जब अंदर भगवान प्रकट होते हैं। हमारे अंतःकरण में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वह हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमें उनका कोई अनुभव नहीं होता है, परंतु लक्षणों से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान अब हमारे अंदर प्रकट हो चुके हैं। इसी कारण आनंद प्रकट होता है, क्योंकि ये भगवान का बहुमूल्य लक्षण है। आपको अचानक से आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, बिना किसी कारणवश आप खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। फिर आपके ऊपर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, कोई असर नहीं डाल पाती है। परिस्थितियां सब आपके अनुकूल हो जाती हैं, आपको किसी भी परिस्थितियों का भय नहीं रहता है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब आपका अच्छा समय आने वाला है। ये सब तब घटित होता है जब भगवान आपकी परीक्षा ले चुके होते हैं। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम।